नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने सपा मुख्यालय पर एक जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सपा मुख्यालय से शुरू होकर राजभवन तक जाने वाला था। यहाँ समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता नीट और यूजीसी नेट मामले पर राजभवन का घेराव करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने सपा मुख्यालय के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान सपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डबल इंजन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। बता दें, नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन के पहले ही दिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद सदस्य की शपथ लेने के दौरान विपक्ष ने नीट और नेट शेम शेम नारे लगाकर हूटिंग भी की थी। भैया अपना नाम बता दियो, क्या फैजान अहमद मून, पूर्व प्रदेश सचिव, यूथ ब्रिगेड। आज हमारी जो ये समाजवादी पार्टी और छात्र सभा का जो ये प्रदर्शन रहा, जो नीट का एग्ज़ाम बार बार एग्ज़ामों में धांधली हो रही है, हमारे देश के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उनको एक उम्मीद होती है कि एक साफ एग्ज़ाम होना चाहिए, क्लियर एग्ज़ाम होना चाहिए, और उन एग्ज़ामों में एक बार नहीं, लगातार एग्ज़ामों में, चाहे आपकी पुलिस की भर्ती हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सरकार पेपर लीक, अरे कैसे पेपर लीक हो जाता है, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, लगातार पेपर लीक समस्या। अगर सरकार कौन सा ऐसा कानून उठा रही जो लगातार ये शिकायत सामने आ रही है, अगर सरकार नहीं चला पा रही, इस्तीफा दे दे, हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी और पूरे संगठन की मांग है, ऐसी सरकार, योगी सरकार इस्तीफा दे दे, दूसरी सरकार आए, वो कम से कम युवाओं के जो देश में इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ ना हो सके, ताकि सारी एग्जाम साफ दृष्टि से एग्जाम हो और जो इंसान जो मेहनत करे उसको उसका परिश्रम, उसका फल मिले। पहले तो सरकार है, अखिलेश की बात करें, मायावती की बात करें, सबके पास रही, मगर नौजवानों के लिए हालात आज भी जैसे थे वैसे पहले भी थे। नहीं, लगातार नौजवानों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाया, हर चीज़ में आप देख लीजिए, युवाओं को सम्मान मिला। इसके पहले बहन जी की सरकार में यहाँ लाठियों से पीटा गया युवाओं को, हर मुद्दे पे उनकी सुनी नहीं गई, सिर्फ समाजवादी सरकार है जो युवाओं के हित की हमेशा काम किया है और आगे भी काम करती रहेगी। अखिलेश यादव जी, लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।